स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। दूसरी ओर अरवल में प्रखंड क्षेत्र के इब्राहिमपुर पंचायत में थोड़ी नोकझोंक के साथ पैक्स चुनाव संपन्न हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मतदान करने गए मुकेश यादव उर्फ लल्लू को केंद्र पर मतदान कराने वाले अधिकारी ने बोगस वोटर बताकर उन्हें मतदान देने पर पाबंदी लगा दी, जिससे मतदान केंद्र पर हंगामा होने लगा। आपसी नोकझोंक के क्रम में मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हल्की चोटें लगी हैं। वहीं युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अरवल जिला अधिकारी जे प्रियदर्शनी ने पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन दल बल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। जी, हमारे साथ संवाददाता तबरेज जुड़ चुके हैं। तबरेज, ये जो नोकझोंक की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट है उसमें? मैडम, हम तो अरवल जिला से करीब करीब घटना स्थल से 32 किलोमीटर दूरी पे हैं। वहाँ पे जो और पत्रकार उपस्थित हैं, उनके द्वारा जो है कि प्राप्त सूचना मिली, जो भी सूचना मिला वो हमने आपके पास शेयर कर दिया। जी तबरेज, कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है आज वहाँ? अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है, रिपोर्ट 1-2 घंटे के बाद आएगी। ये तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया तबरेज। दानापुर दियरा के हेतनपुर गांव में मतदान के दौरान बूथ संख्या 5 पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पैक्स चुनाव में वोक्स वोटिंग की जगह से भिड़ंत हो गई है, जिसमें जमकर लाठी और डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। काफी देर के बाद हालात को काबू किया गया। हेतनपुर पंचायत का पैक्स गोदाम है, जहाँ बूथ क्रमांक 5 और 5 का है। बूथ के बाहर दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्ष आपस में किसी बात को लेकर के लड़ झगड़ रहे थे, जिसे समझा बुझा करके अलग हटा दिया गया है। अभी माहौल शांतिपूर्ण है, मतदान कार्य। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो अवैध वोटिंग का जो ये मामला सामने निकल कर आया है, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, ये दानापुर पंचायत में दो पैक्स चुनाव के लिए 5 वोटिंग जगहों पर चुनाव वोटिंग हो रहे थे। 5 जगहों पर, उसमें जो बूथ संख्या 5 पर थी, उस पर दो प्रत्याशी समर्थक आपस में इस बात पर भिड़ गए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि वोकस वोटिंग का। हालांकि जिस तरह से थोड़ी देर के बाद ये तूतू मैमे के बाद ही ये हाथ पैर चलने लगे, लाठी डंडे बरसने शुरू हो गए। पुलिस वहां पर कुछ कम, उनकी संख्या कम थी, लोग पुलिस उन्हें रोकने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की संख्याएं इतनी ज्यादा थी कि पुलिस की भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि पुलिस की जो बल थे और पुलिस बल बुलाने के बाद उनको जो भी प्रत्याशी समर्थक आपस में लड़ रहे थे, उनको लाठियों से दौड़ा कर जब पीटना शुरू किया जाने लगा, तो सभी इधर से उधर भागे और जो वोटिंग थी, वो बूथ थी, वो पूरी तरह से सुरक्षित हो पाई। जी, ये तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया पंकज। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहे नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।